तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस धरत कंप्यूटर सेंटर में। और आज हम डिजाइन करने जा रहे हैं एक लेटर हेड, बहुत ही सिंपल और सबसे बेहतरीन। तो सिंपल वे में आसानी से एक आप लेटर हेड किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आपको खोल लेना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपके लैपटॉप में या पीसी में आपके जो भी है, चाहे वो 10 हो या 7 हो, वो आपको खोल लेना है। सभी में एक ही समान टूल होते हैं। तो ये मेरे में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है, इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा पेज सेट लेआउट पर और यहां से मैं इसका मार्जिन सेट करूंगा नैरो और इसका साइज दूंगा A4 साइज। उसके बाद जो मैं क्लिक करने वाला हूं वहां इंसर्ट पर जाकर मैं यहां पर डायग्राम लूंगा और यहां पर मैं एक शेप बनाऊंगा और शेप बनाने के लिए यहां पर मैं इतनी एक शेप बना लेता हूं। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा यहां से मैं इंक्रीज करता हूं जिससे कि ये दोनों तरफ सेट आ जाए। ठीक है, ये हो गया है मेरा सेट। अब इसमें मैं इसकी शेप में जाकर इसका कलर चेंज करूंगा, जो भी मुझे कलर अच्छा लगता है मैं यहां से उस कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो मैं यहां से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं वापस से जाऊंगा, यहां से एक और पिक्चर लूंगा और यहां से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा और वो लाइन करूंगा बहुत ही छोटी लाइन, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद यहां से कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा और कंट्रोल सी और वी करूंगा, यहां से एक लाइन और ड्रॉ कर दी है मैंने। अब उसके बाद यहां पर जाकर मैं इसका जो बॉर्डर है उसको लाइन को यहां से हटा देता हूं। यहां से मैंने इसकी लाइन हटा दिया है और इस वाले इसके भी जाकर मैं इसकी भी जो है यहाँ से लाइन हटा देता हूँ। ये मैंने इसकी भी लाइन हटा दिया और उसके बाद सबसे नीचे वाले की भी लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए ये मैंने दोनों लाइन यहाँ से हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं कोई भी कलर दूंगा, ये मैं यहाँ पर ये वाला कलर देने वाला हूँ और नीचे वाले में मैं यहाँ पर देने वाला हूँ ये येलो कलर। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंट्रोल इसको कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और ठीक है इसको मैं लेकर जाऊंगा नीचे, यहाँ पर मैं इसको नीचे ले आया हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको एक एक करके सबसे पहले मैं नीचे वाले को यहाँ लेकर इसको सेट करूंगा और इसको मैं करूंगा थोड़ा छोटा, ये देखिए। फिर उसके बाद इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की के साथ यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर आइकन पर और यहाँ से मैं लूंगा एक शेप और शेप यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक सर्कल लूंगा और यहाँ मैं इसको सेट कर दूंगा। यहाँ इसमें जाऊंगा और यहाँ पर पिक्चर लूंगा और पिक्चर में जाकर यहाँ पर जो भी हमारी जो पिक्चर है वहां पर हम पिक्चर को ले लेंगे। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाकर न्यू फोल्डर में मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ और यहाँ से आउटलाइन पे जाकर इसके आउटलाइन हटा देता हूँ और इसके बाद मैं इसको शिफ्ट की के साथ इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट पर जाऊंगा और यहाँ से लूंगा एक टेक्स्ट बुक मैं यहाँ से इंसर्ट करूंगा और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सक्सेस रथ सेंटर। इसको सिलेक्ट करूंगा, इसका साइज बड़ा करूंगा और कंट्रोल बी के साथ इसको बोल्ड कर दूंगा। फिर मैं उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट में जाऊंगा, यहां से जाकर इसको इस तरीके से इसको सेट कर दूंगा। ठीक है, यहां मैं अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करने वाला हूं, ये मैंने इसका साइज यहां से बड़ा कर दिया है। वापस से मैं जाऊंगा इंसर्ट में, यहां से इसको अन फिल कर दूंगा और यहाँ इसको कंट्रोल ए करके यहाँ पर मैं जो इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो व्हाइट करने वाला हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सेट करने वाला हूँ मैं थोड़ा सा, ये यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा, इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर इसको इग्नोर करके ये देखिए ये सेट हो गया। अब मैं फिर वापस से जाऊंगा इंसर्ट पर और यहां से लूंगा एक टेक्स्ट और टेक्स्ट में यहां करने के बाद यहां पर हम करेंगे एक एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस में हम लिखने वाले हैं जो भी इसका एड्रेस होगा आपके इंस्टीट्यूट या कंप्यूटर या स्कूल का जो भी एड्रेस है यहां पर ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर NH9335। ठीक है, और हापुड़
रोड मेरा ठाकुर रोड, मेरठ हापुड़ हाईवे, ठीक है, खरखोदा खरखोदा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पिन कोड हो जाएगा 24206, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे +91, और जो भी आपका नंबर है, ये नंबर गलत लिख रहा हूँ मैं, जितने भी आपके नंबर हैं उन सभी नंबरों को यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहीं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए करने के बाद वापस से होम के ऑप्शन पर जाएंगे और होम के ऑप्शन पर जाकर इसके जो साइज है उसको करेंगे कि गैप को खत्म, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से खोलेंगे, इसको कंट्रोल ए करेंगे, इसको हम सेंटर में करेंगे और इसके बाद इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ से जाके फॉर्मेट में जाके इसमें कर देंगे हम नो फिल, और यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको टेक्स्ट ठीक लगे उसको हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इसका एड्रेस हो चुका है और यहाँ पर हम इसकी वेबसाइट करेंगे www.successrat.com, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है और उसके बाद ये हमारा जो लेटर हेड है इसमें हम इसके वाटरमार्क लगाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से हम एक फाइल सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम यहाँ पर इसको पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको पिक्चर लेंगे और ये वाला वाटरमार्क यहाँ अप्लाई करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन हमें इसको छोटा करना है। वाटरमार्क को जाएंगे, एडिट कस्टम एड करेंगे और यहाँ पर इसको ऑटो कीजिएगा, यहाँ करेंगे हम केवल 200 और ओके कर देंगे। तो देखिए ये बड़ा हो गया है, फिर इसको वापस से जाएंगे हम वाटरमार्क में, इसको एडजस्ट करेंगे जितना भी हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए हमें 50 है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये 50 पर इतना हो गया है। वापस से जाएंगे यहाँ 100 करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये इतना, तो हमें 50 ही ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके हम 50 ले लेते हैं और इसको अप्लाई करके और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस से हम इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर, ठीक है। और ये हमारा रेफरेंस नंबर हो जाएगा, यहाँ से इसको हम कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे और सेव में नो कलर, यहाँ पर आउटलाइन में कोई भी आउटलाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और इसी को हम यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ सेट कर देते हैं, यहाँ पर होगी हमारी डेट, ठीक है, ये हमारी डेट होगी। ये हमारा रेफरेंस नंबर हो गया, ये डेट हो गई, ठीक है। इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको कर देते हैं बोल्ड और इटैलिक, ठीक है। इसका साइज ये है 13, इसको यहाँ हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, इसको ए करेंगे, इसको 13 करेंगे इसके साइज को और बोल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं, तो ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम जो है यहाँ पर अब इसको बना सकते हैं और नीचे जो इसका ये दिया है इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, इसको ऊपर करेंगे ऊपर की साइड और यहाँ से इस वाली को हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ करने के बाद यहाँ हम लेंगे एक इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिखने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम ईमेल आईडी लिखेंगे,
ईमेल आईडी जो भी आपके इंस्टीट्यूशन की है, और उसके बाद यहाँ पर जो है हम लिखेंगे वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्लिक करने के बाद वापस से जाएंगे हम फॉर्मेट में, नो फॉर्म फिल करेंगे और आउटलाइन को भी खत्म कर देंगे, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर है उसको ले लेंगे वाइट, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा साइज हम इसको इंक्रीज करेंगे और इसको कर देंगे सेंटर में, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर करेंगे और ये लिंक बना हुआ है तो इंसर्ट में जाएंगे और इसको रिमूव कर देंगे यहां से, रिमूव लिंक, ये देखिए। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ इसको सेट कर सकते हैं, यहां से हम इसको ये ऊपर करना होगा हमें, ठीक है, और इन दोनों को भी हम ऊपर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी सेटिंग बिगड़ गई है तो इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये मैंने सेट किया है और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, ये ठीक है, और यहाँ पर हम इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन इसको ग्रीन से मिला देंगे बिल्कुल ये, और इसको भी हम ग्रीन से मिला देंगे, ये ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गैप दिख रहा है, ये तो देखिए ये बन गया है हमारा एक लेटर हेड बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये लेटर हेड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।